नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ आशा मिमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, अरुणाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 75% घरों में उपलब्ध हुई नल से जल की सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में 75% घरों में नल का जल पहुँचाने को बताया काबिले तारीफ। नामसाई जिले के वाक्रो सर्किल, लथौ सर्किल, पियोंग सर्किल और लेकंग सर्किल के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से 500 से अधिक विपक्षी कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा, डबल इंजन की सरकार के सुशासन के कारण संभव हुई ये उपलब्धि। कांग्रेस पार्टी के अरुणाचल प्रदेश इकाई ने अपने नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिए जाने के विरोध में ईटानगर में निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस द्वारा देश भर में आयोजित जय भारत सत्याग्रह के तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। अरुणाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 75% घरों में नल से पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट कर बताया कि मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाना एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 1,73,000 घरों तक नल से पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से अब तक 1,30,000 घरों में ये सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। श्री खांडू ने कहा कि ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष है कि इनमें से अधिकतर घर दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों में हैं। उन्होंने कहा कि इन घरों तक पीने का पानी पहुंचाना एक कठिन चुनौती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इसे हासिल करना संभव हो सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खांडू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अमृतकाल में 75% घरों में नल का जल पहुँचाना प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने इस कार्य से जुड़ी टीम की प्रशंसा की और शेष लक्ष्य हासिल करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि नामसाई जिले के वाक्रो सर्किल, लथौ सर्किल, पियोंग सर्किल और लेकंग सर्किल के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से 500 से अधिक विपक्षी कार्यकर्ता नामसाई में भाजपा में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का भाजपा में शामिल होना डबल इंजन की सरकार के द्वारा दिए जा रहे सुशासन के प्रभाव के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के अभूतपूर्व विकास हुआ है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने के अवसर पर विधायक चाउ जिंगनू नामचुम, जुम्मम एते देवरी सहित कई अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने शनिवार शाम अपने नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिए जाने के विरोध में एक कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस द्वारा देश भर में आयोजित जय भारत सत्याग्रह के तहत निकाले गए इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ईटानगर स्थित कार्यालय से लेकर बैंक तिनाली तक निकाला गया। पीसफुल कैंडल मार्च फ्रॉम राज्यपाल भवन टू महात्मा गांधी स्टेडियम हियर ईटानगर दिस इवनिंग टू एक्सप्लेन आवर सॉलिडरिटी सपोर्ट our leader Sri Rahul Gandhi ji for disqualifying from member of Lok Sabha within 24 hours from the judgment at the Surat court and trying to dismantle the institutions of this great country which made by our leaders, our fathers in the past, who got freedom to the country and who made sacrifice for the country, who built this country since from very beginning. केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने भौगोलिक विविधता के आधार पर भारत में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया है।
आज सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन कार्यबल की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की समृद्ध भौगोलिक विरासत हमें साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती हैं। सभी G20 सदस्य देशों, 9 आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 130 प्रतिनिधि इस 3 दिवसीय बैठक में भाग ले रहे हैं। ये भारत की अध्यक्षता में G20 के विभिन्न समूहों की 200वीं बैठक है। वादियों और चाय बागानों से महकता सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, हिमालय की गोद में बसा पश्चिम बंगाल के अंचल G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान है और लक्ष्य है भारत एडवेंचर टूरिज्म में भी अपना परचम किस तरह फहराए। टूरिज्म का पहला मीटिंग गुजरात कच्छ में हुआ है, उसके बाद दूसरा मीटिंग दार्जिलिंग में हो रहे, तीसरा मीटिंग श्रीनगर में होगा, लास्ट मीटिंग मिनिस्टर्स का मीटिंग टूरिज्म का गोवा में होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट में भी हर स्टेट कैपिटल में G20 का मीटिंग हो रहे हैं। विदेशों से आए तमाम डेलीगेट्स भारत के इस अंचल की खूबसूरती देखकर अभिभूत हैं। दार्जिलिंग पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा अपनी चाय के लिए भी मशहूर है। पहले दिन शनिवार को सभी विदेशी मेहमानों को चाय के अलग अलग स्वाद चखाए गए और रात को लोक संस्कृति और जलती मशालों की रोशनी में बागान में चाय तोड़ने का अनुभव भी कराया गया। इस मौके का सूचना एवं प्रसारण सचिव ने भी लाभ उठाया। जी हाँ, ये बताई बारी टी स्टेट है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है ज्यादा मशहूर एक टी स्टेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G20 के सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं और क्या माहौल है। और आजकल टी प्लकिंग चल रही है और इस समय जो है मूनलाइट के अंदर टी प्लकिंग करी जा रही है और यहाँ के लोकल महिलाओं के साथ आप देख सकते हैं कि माहौल कितना उत्साहदायी है। सर, ये हमारे कल्चर को तो दिखाता है, साथ ही जो विदेशी आए हैं उनको भी बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है कि चाय की पत्ती वो भी मशालों के साथ तोड़ी जा रही है। एक तो अब मेरे को लगता है कि विदेशी जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने चाय पी होगी कभी, जो है कभी तोड़ी और कैसे उगती है तो कभी उन्होंने अनुभव किया नहीं होगा। और दार्जिलिंग टी पूरे विश्व में मशहूर है, अब यहाँ आज उन्हें स्वतः अनुभव मिल रहा है कि दार्जिलिंग के अंदर चाय और दार्जिलिंग की चाय को स्वतः तोड़ने का अनुभव आई थी। मेरे ख्याल से ही उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहेगा। दार्जिलिंग अपनी नेपाली संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। गोरखा संस्कृति यहाँ की फिजाओं में गूंजती रहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मिजोरम की राजधानी आइजोल के लमुअल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम डिवाइन योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के बजट में 276% से अधिक का इजाफा हुआ है और भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को 2025 तक ट्रांसपोर्ट के सभी साधनों से कनेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम डिवाइन के साथ नॉर्थ ईस्ट के बजट के अंदर 276% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। सभी राजधानियों को, 8 राज्यों की राजधानियों को तीनों प्रकार की कनेक्टिविटी, रेलवे, एयर और रोड की लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए की लागत से हम 2025 के पहले इसको पूरा कर लेंगे। देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC के अलुमनाई एसोसिएशन के नॉर्थ ईस्ट चैप्टर का वार्षिक मिलन समारोह कनेक्शंस गुवाहाटी में शनिवार रात संपन्न हुआ। कार्यक्रम में टाइम्स नाउ चैनल के नॉर्थ ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट निविर डेका को ब्रॉडकास्ट कैटेगरी में इफको इमका अवार्ड प्रदान किया गया। डेका को 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि का चेक भी भेंट किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैप्टर के अध्यक्ष और असम के सूचना आयुक्त समुद्रगुप्त कश्यप ने की, जिसे महासचिव टेरेसा रहमान, एसोसिएशन के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष प्रसाद सानियल, भारतीय वन सेवा के अधिकारी पीली एते, भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी मानस प्रतिम शर्मा, मारूफ आलम, पोजागिन तोंग सिंह, पीकू दत्ता, ज्योति प्रसाद नाथ, पद्मजा चौधरी,
उत्कर्ष सिंह, मरीना दाई, सुबीना रॉय समेत असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से आए कई अलुमनाई ने संबोधित किया। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित सिंह सेयिंग गांगिंग जीटीसी में शनिवार को तागिन निशी गालो स्टूडेंट्स यूनियन ने एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। साल 2022 में नॉर्थ ईस्ट के राज्य देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1,18,45,000 घरेलू टूरिस्ट 2022 में पर्यटन के लिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहुंचे। इस दौरान 1,00,000 से अधिक विदेशी पर्यटकों ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सैर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। अप्रैल में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं अब तक के मन की बात कार्यक्रम के चुनिंदा अंश। 24 सितंबर 2017 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमने की अपील की ताकि वे देश के विविधता से परिचित हो सकें। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, अगर उनकी बातों में देखोगे तो एक बात आती है कि जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तब उनको भारत को देखने समझने में और उसके लिए जीने मरने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। ये सभी महापुरुष भारत का व्यापक भ्रमण किया, अपने कार्य के प्रारंभ में उन्होंने भारत को जानने समझने का प्रयास किया, भारत को अपने आप में जीने की कोशिश की। क्या हम हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों को, भिन्न भिन्न समाजों को, समूहों को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी परंपरा को, उनके पहरवेश को, उनके खान पान को, उनके मान्यताओं को एक विद्यार्थी के रूप में सीखने का, समझने का, जीने का प्रयास कर सकते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल स्वायत्त लैंडिंग्स मिशन के तहत आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि ये परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एटीआर में किया गया। इसी के साथ इसरो ने लॉन्च व्हीकल की स्वायत्त लैंडिंग के क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली। इसरो ने कहा कि LEX के साथ ही रीयूजेबल लॉन्चिंग के क्षेत्र में भारत अपने लक्ष्य के एक और कदम करीब पहुँच गया। दुनिया में पहली बार एक विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। The Wing Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator, RLVTD, is a space plane of a winged re-entry aerospace vehicle. This technological marvel called RLVTD will open new frontiers and avenues for low-cost access to space using fully reusable Indian space transportation systems. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने सुश्री बनर्जी पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी, बम फेंकने, हिंसा और आगजनी की घटनाओं से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्थर मारना और शोभा यात्रा रामनामी की रुकवाना
आगजनी करना, हिंसा फैलाना, उपद्रव फैलाना, ये ममता बनर्जी जी की नाक के तले हुआ है। कानून व्यवस्था कैसे चरमराती है, इसका सबसे बड़ा रोल मॉडल ममता बनर्जी जी है। और मुख्यमंत्री पक्षपात कैसे करता है, हिंदू विरोधी कैसे होता है, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक वर्ग के साथ खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया कैसे जाता है, ममता बनर्जी जी के बोलों से नजर आता है। सब कुछ होता देखकर आंखें बंद कर लेना, मूंद कर बैठ जाना, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक मुख्यमंत्री होकर एक पक्ष तक ही सीमित हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाना, ये ममता बनर्जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए। इसराइल के नेसेट स्पीकर अमीर ओहाना ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ की है। भारत दौरे पर आए ओहाना ने कहा कि उन्होंने भारत को स्पीकर के रूप में अपने पहले विदेश दौरे के लिए इसलिए चुना क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और परिपक्व लोकतंत्र है, हाल के वर्षों में तेजी से प्रगति कर रहा है और भारत एवं इसराइल के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। India is my first destination as speaker to visit because it's the largest democracy in the world, us being the only democracy in the Middle East, because it is progressing so rapidly in the recent years, because the connection between our two countries is so great in the recent years, and because never has a speaker of the Knesset visited India. So in that sense, it is an historic visit. I met the President of India, the Vice President, who is also Speaker of the Upper House, and the Speaker of the Lok Sabha, the Lower House, which I signed a memorandum of understanding with to strengthen the relations between parliaments. So now we have great connection between the leaders, great connection between the people, and great new connection between parliament. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।